जैसे भाई पानी मिलता है ना दुकान में जगह, यहाँ ऐसे दारू मिलता है। हैप्पी बर्थडे टू यू, खरा का जान शान प्राण सब कुछ जो भी कह लो। तो हे गाइस, फिर से एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। तो अभी इस वक्त मैं हूँ पोखरा। कहाँ हूँ भाई? पोखरा सिटी में। पोखरा में है गाइस हम लोग। पोखरा में, पोखरा वो पोखरा नहीं समझ लीजिएगा, पाउंड नहीं समझ लीजिएगा, पोखरा सिटी में है और ये पड़ता है नेपाल में। तो आए हैं भैया घूमने, तो सोचे कि आपको रात का व्यू दिखा देते हैं। रात का जो स्ट्रीट का व्यू रहता है ना यहाँ का, जबरदस्त होता है भाई, एकदम रापचीक वाला। हम लोग अभी हैं 15 नंबर स्ट्रीट पे एंड वहाँ हमारा होटल है। होटल जो है तो ठीक है, एवरेज है और बहुत सस्ते में मिल चुका है। आपको अगर सस्ते में घूमना है तो ब्लॉग को पूरा अंत तक देखिए, सब डिटेल में बताया जाएगा गाइस, सब डिटेल में। ये है यहाँ का स्ट्रीट और पूरा फॉरेन वाला फील आ रहा है दोस्त। आई मीन फॉरेन दोस्त। हाँ, तो वो तो है ही हम लोग, लेकिन जो बात है ना कि अगर नेपाल का मजा है तो असली मजा पोखरा में है। तो ये रहा आपका, यहाँ पे देखिए पैराडाइजो बार एंड ग्रिल है। बाकी यहाँ पे बार और आपको दारू का दुकान जो दिखेगा ना, जबरदस्त दिखेगा। यहाँ ठंडा वाला जो है पूरा एकदम कपड़ा जो है सो दबा के बेचा जा रहा है। और कल देखेंगे, यहाँ पे कुछ चीज़ कॉमन है जैसे कि होटल बहुत अच्छे अच्छे दिखेंगे आपको, एंटिक पीस जो होता है उसके शॉप्स, बार एंड रेस्टोरेंट बहुत ही आपको कॉमन दिखेगा, बहुत ही ज़्यादा ये सब चीज़ें। क्या है भाई बताओ कुछ? स्ट्रीट है भाई, स्ट्रीट मतलब है, स्ट्रीट पे सारा दुकान इतना चकाचौंध है कि देख के आपको मजा ही आ जाएगा, क्या ही बताएं, मतलब मजा ही आ जाएगा। इंडियन लोग मिल रहे हैं यहाँ पे और ज़्यादातर फॉरेनर्स ही हैं। अगर यहाँ आते हैं तो आप यहाँ पे बार में जाना बिल्कुल भी नहीं भूलें, क्योंकि यहाँ पे जो बार है ना वो बहुत ही अलग है, बहुत ही स्पेशल है। और यहाँ पे आपको अलग अलग एम्बेसी के, चाइना के गाड़ी दिखेंगे। ये है चाइना, चाइनीज़ गाड़ी भाई, भाई चाइनीज़ गाड़ी भी अलाउड है इधर। तो इंडियन गाड़ी ज़्यादातर आपको दिखेंगे, वो भी यूपी के। ये चूलो रेस्टोरेंट बार, हाँ ये देखो, सॉरी गाइस चूलो है गाइस। बाकी आप तिब्बतियन फ्लैग देखेंगे पूरे स्ट्रीट में जो है ना, सो तिब्बतियन फ्लैग है। ये हमारा 15 नंबर स्ट्रीट है जो कि इधर है हमारा होटल, देखिए ये है गजरी। बहुत फॉरनर दिखेंगे भाई आपको, बहुत ज़्यादा। यहाँ देखिए चाइनीज, ये देखिए कैसे बगुआ का टंग ले रहे। देखिए आपको कहीं भी जाना है ना तो यहाँ पे बोर्ड बड़ा बड़ा सा, आपको स्ट्रीट के अंदर अगर जाना है तो सारे होटल्स का और रेस्टोरेंट का आपको बोर्ड दिखेगा। और ये देखिए स्ट्रीट नंबर 16 है। एक्चुअली एक बात हम आपको बताना चाहेंगे, यहाँ पे क्या है ना कि यहाँ पे आपको स्ट्रीट बाय स्ट्रीट जाना होता है और एकदम मार्किंग अच्छा से किया गया है तो आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगा। और यहाँ पे 25 दिसंबर को जो होता है, 25 दिसंबर जान रहे हैं ना, क्रिसमस को स्ट्रीट फेस्टिवल होता है, वो बहुत ही ज़बरदस्त होता है। और जैसे कि आप देख रहे हैं तो ये स्ट्रीट फेस्टिवल का ही डेकोरेट किया हुआ है। अगर आपको पोखरा आने का कभी भी मौका मिले तो आप पोखरा पहुंचने के बाद सबसे पहले पोखरा के नाइट लाइफ को एंजॉय करें, क्योंकि पोखरा की गलियों की चमक रात को अलग ही होती है। और अगर आपको खाना खाना है तो एक बार न एक बार यहाँ की मछलियों का स्वाद जरूर लें। लेक साइड तो भाई एकदम मतलब जान है समझो, क्या भाई पोखरा का जान शान प्राण सब कुछ जो भी कह लो वो सारा कुछ है। पोखरा का सबसे पॉपुलर और सबसे खूबसूरत अट्रैक्शन लेक साइड, जहाँ जाने पे आपको एक अलग ही भव्य नजारे का दर्शन होगा, जहाँ पे आपको कई प्रकार के छोटे से बड़े अच्छे से अच्छे रेस्टोरेंट, कई प्रकार के झूले और कई प्रकार के एक्टिविटी करने को मिलेंगे, जहाँ की लाइटिंग और लोग आपको काफी अट्रैक्ट करेंगे और एक अलग नाइट लाइफ का आनंद देंगे। घूमते टाइम आपको काफी ब्रोकर मिलेंगे जिसका हमने एक छोटा सा स्टिंग ऑपरेशन भी किया, उनके चक्कर में आप बिल्कुल भी ना पड़े। खाने की बात करें तो आपको
थोड़ा कॉस्टली बट आपको इंडियन ढाबे भी यहाँ पे काफी मिल जाएंगे। अगर आपको अपने किसी चहेते के लिए सामान लेना है या खुद के लिए कोई निशानी लेना है तो आप यहाँ से एक छोटी सी चीज जरूर ले, क्योंकि हम भी अब उस चीज को लेने जा रहे थे। चलो दोस्त, क्या लेने का? हाँ यही ले लेते हैं। तो भाई यहाँ पोखरा भी लिखा हुआ है, तो लेना जरूरी है ना, एक निशानी तो बनता है क्या भाई। गाइस हमने लिया है ये यहाँ का निशानी। गाइस अखर रहा है। हाँ भाई बताओ क्या होता है, किसी भी चीज में जाओ आप डिस्काउंट कराओ, जैसे वो हमने बोला 250, ठीक है दे दो। अगर यही वो हम 200 बोलते, अगर वो नहीं देता फिर हम 250 बढ़ के लेते, तो थोड़ा लगता चलो यार 250 देना बनता। एक बार नहीं दे दिया यार, लग रहा है कि नहीं यार 200 ही बोलना चाहिए। सही बात है भाई। चलो कोई नहीं, अगर आप आते हैं तो यहाँ का कुछ निशानी लेके जरूर से जरूर जाइए। कैसा लग रहा है तुमको? बहुत मजेदार लग रहा है भाई, मजा आ रहा है। पूरा मजेदार है बट एक ही दिक्कत हो गया, क्या मतलब लाइटिंग बहुत हेवी किया गया है, सारा अट्रैक्शन लाइटिंग का ही है। आज हमारा यहाँ प्रोग्राम है, अभी आखिरी रात है, तो थोड़ा सोच रहे हैं कुछ अच्छे जगह जाएं, खाएं और पानी पिए। तो चलिए जहाँ जाएंगे वो चीज आपको दिखाएंगे। बने रहिए, काफी खूबसूरत जगह जा रहे हैं। यहाँ पोखरा आते तो यहाँ जरूर। आज हमारी पोखरा की आखिरी रात होती है और हम दोनों काफी मायूस होते हैं, क्योंकि अगले दिन हमें जाना होता है अपने घर की तरफ। लेकिन उससे पहले हम दोनों प्लान करते हैं कि पोखरा के सबसे प्रीमियम और सबसे खूबसूरत रेस्टोरेंट में जाकर आज का डिनर यही करेंगे। और हम लोग पहुंच जाते हैं ओपन हाउस, जो कि लेक साइड की तरफ पड़ता है। यहाँ का डेकोरेशन काफी अलग तरीके का किया होता है और काफी हमें पसंद भी आता है, क्योंकि यहाँ पे अलग कॉन्सेप्ट, अलग सिस्टम और अलग लाइटिंग पे काफी ध्यान पूर्वक काम किया गया होता है, और सीटिंग अरेंजमेंट भी काफी अच्छी की गई होती है। हम इस प्रॉपर्टी के बीचों बीच बैठ जाते हैं और मेन्यू देखते हैं। फिलहाल हमारा मेन्यू आ चुका है ओपन हाउस का, सिंस 1988 है भाई। तो देखो मेन्यू पूरा, ये जो ओपन करने वाला है पूरा वुडन का है, लकड़ी का है पूरा। हाँ तो गाइस एक पिज्जा ऑर्डर कर रहे हैं और एक मोमो, नहीं एक चिकन मोमो ऑर्डर कर रहे हैं। आ गया है हमारा वेज पिज्जा एंड बहुत ही बड़ा भाई, इतना में तो पेट ही भर जाएगा भाई। हाँ भाई इसलिए तो हम ये बात है भाई। ये रहा हमारा मोमो और इसका टेस्ट देखते हैं कि कैसा होता है। तो भाई मोमो ठीक है, जिस हिसाब से पैसा लिया ना ठीक है भाई, खराब नहीं है। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। और ये मेरा पिज्ज़ा आ गया, इसे मैं खाता हूँ। सारा प्लेट हो गया खाली। अब यहाँ का व्यू कुछ ऐसा है कि मानो सबसे बड़ा पैसा है। तो गाइस चटपट यानी कि भुजा लिए हैं और तो सेकुआ लिए हैं, और यहाँ पे मतलब टेस्ट करना है हम लोग। कैसे लग सच्ची पानी मिलता है ना दुकान में जगह, यहाँ ऐसा दारू मिलता है, ये चीज है भाई। रात का सीन खत्म हुआ, अब आपको हम पोखरा का पूरा जो होता है ना, कहाँ कहाँ आपको घूमना है वो सारा चीज बताएंगे। लेकिन उससे पहले एक चीज बताते हैं, क्या बताओ भाई? पोखरा मतलब लगता था ऐसा कि बस नेपाल से सटे हुए जो बॉर्डर पे वो भी आते हैं होंगे बस, लेकिन भाई यहाँ MP, छत्तीसगढ़, इवन कर्नाटका, महाराष्ट्र और दिल्ली के तो है ही, ऊपर से हरियाणा के हैं। बस मुझे पंजाब वाले नहीं दिखे, PV नंबर गाड़ियाँ नहीं दिखी, बाकी सारे मतलब महाराष्ट्र, दिल्ली हो गया, हरियाणा हो गया, UP तो भरे हुए हैं। अपने गाड़ी से भाई, अपने गाड़ी से आते हैं, अपने गाड़ी से लोग राजस्थान आरजे नंबर नहीं कर सकता कोई, मतलब वहाँ वहाँ से लोग आ रहे हैं, जहाँ कर्नाटका से लोग आ रहे हैं। तो भाई ये काफी फेमस जगह है, इंटरनेशनल भी फेमस है ये। फॉरनर तो काफी है भाई, काफी है, और हिंदी तो यहाँ सभी जानते हैं भाई, सभी जानते हैं, इंडियन करेंसी भी चलती है, तो ये बात है। बाकी चलिए फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में, यानी कि पोखरा के ब्लॉग में, तब तक के लिए चलते हैं।